पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता और अनंत उपस्थिति मेरे प्रियो आप सबके साथ अब से लेकर सदा सर्वदा होती रहे। आइए नम्र होकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने अपने पापों का अंगीकार करें। महापवित्र प्रेमी पिता, हम आपके सम्मुख अपने पापी स्वभाव को अंगीकार करते हैं। हम अपनी अभिलाषाओं को पूरी करने के द्वारा आपसे भटक गए हैं। हमने भलाई नहीं की और न ही गलत काम से घृणा किया। केवल आप ही जानते हैं कि हमने पाप करके आपने वरदानों को गवाया है और आपके प्रेम को स्मरण नहीं किया है। कृपया हम पर दया करें, क्योंकि हम अपनी सारी गलतियों के लिए अत्यंत दुखी हैं। हमें सिखाए कि आप जिन बातों से घृणा करते हैं उन बातों से हम भी घृणा करें। हमारे गुप्त अपराधों को क्षमा करें और हमें सभी पापों से शुद्ध करें। आपके प्रिय पुत्र के द्वारा हमारी सहायता करें कि हम ज्योतिर्मय जीवन व्यतीत करें और आपके मार्गों में चलें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। हे परमेश्वर, तू पवित्र है। हे सर्वशक्तिमान, तू पवित्र है। हे सर्वशक्तिमान अविनाशी परमेश्वर, तू पवित्र है। हमारे लिए क्रूस पर बलिदान दे, मसीह प्रभु हम पर दया कीजिए। हे परमेश्वर, तू पवित्र है। हे सर्वशक्तिमान, तू पवित्र है। हे अविनाशी परमेश्वर, तू पवित्र है। हमारे लिए क्रूस पर बलिदान दे, मसीह प्रभु हम पर दया कीजिए। हे परमेश्वर, तू पवित्र है। हे सर्वशक्तिमान, तू पवित्र है। हे अविनाशी परमेश्वर, तू पवित्र है। हमारे लिए क्रूस पर बलिदान दे, मसीह प्रभु हम पर दया कीजिए। सबके साथ शांति बनी रहे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी प्रेमी प्रभु, हम ये घोषणा करते हैं आप ही मात्र हमारी रक्षा करते हैं। हम आपके अति आभारी हैं कि आपने आराधना करने के लिए यह सुअवसर दिया। हे प्रभु, आप हमारे लिए सब कुछ है और आपके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी उपस्थिति का एहसास हमें दे। हम विश्वास करते हैं कि आप अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार हमारे बीच में हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ रहते हैं और सदा सर्वदा राज्य करते हैं, आमीन। आइए हम अपने स्वरों को मिलाकर परमेश्वर की आराधना और स्तुति करें। यीशु अच्छा है, यीशु भला है, उसकी दया हमेशा की है। यीशु अच्छा है, यीशु भला है, उसकी दया हमेशा की है। समुद्र के लहरों के सो की तरह तेरी स्तुति में करता रहूंगा। समुद्र के लहरों के सो की तरह तेरी स्तुति में करता रहूंगा। हालेलुया, 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 आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। मैं यहोवा की राह देखता रहा, उसने मेरी प्रार्थना सुनी। मैं यहोवा की राह
देखता रहा, उसने मेरी प्रार्थना सुनी, सत्यनाश के गड्ढे से और दलदल की खींच से उसने मुझे निकाला, सत्यनाश के गड्ढे से और दलदल की खींच से उसने मुझे निकाला। हालेलुया 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 हालेलुया, आदर महिमा स्तुति प्रशंसा स्तुति और ज्ञान यीशु तेरे लिए, आदर महिमा स्तुति प्रशंसा स्तुति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। मेरे पैरों को चट्टान पे खड़ा किया, मेरे कदमों को दृढ़ किया है, मेरे पैरों को चट्टान पे खड़ा किया, मेरे कदमों को दृढ़ किया है, मुझे एक नया गीत दिया हमारे प्रभु की स्तुति हो सदा, मुझे एक नया गीत दिया हमारे प्रभु की स्तुति हो सदा। हालेलुया 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 हालेलुया, आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए, आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। हे मेरे प्रभु तेरे सिवा मेरे लिए कोई भलाई नहीं, हे मेरे प्रभु तेरे सिवा मेरे लिए कोई भलाई नहीं, पृथ्वी के सारे पवित्र लोग वे मेरे लिए अति श्रेष्ठ हैं, पृथ्वी के सारे पवित्र लोग वे मेरे लिए अति श्रेष्ठ हैं। हालेलुया 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 हालेलुया, आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए, आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। मिले आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु, मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा, मिले आदर और महिमा तुझे, स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा, तेरी ही महिमा होवे सदा मेरे जीवन में, तेरी ही महिमा होवे सदा मेरे जीवन में। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा,
सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा, मिले आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु, मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा, मिले आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु, मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है महिमा होवे सदा मेरे जीवन में, तेरी ही महिमा होवे सदा मेरे जीवन में, सर्वशक्तिमान प्रभु पर जो है और था और रहेगा। हमारे अनादि परमेश्वर पिता, हम अंगीकार करते हैं कि अक्सर आपकी आराधना करते समय हमारे मन आपसे भटकते हैं। हमारे मनों को पवित्र आत्मा के द्वारा स्पर्श करें ताकि हम बदल जाएं और हम प्रभु यीशु मसीह की समानता में बढ़ते जाएं। हमारी प्रार्थना, सहभागिता और वचन की सेवकाई का समय आपको ग्रहण योग्य हो। आपके महापवित्र नाम में हम मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचनों को ध्यान से सुने। आज का बाइबल पाठ यिर्मयाह अध्याय 23 एक से छः तक लिया गया है। उन चरवाहों पर हाय जो मेरी चरवाहों की भेड़ बकरियों को तितर बितर करते और उनका नाश करते हैं। यहोवा यह कहता है, इसलिए इसराइल का परमेश्वर यहोवा अपनी प्रजा के चरवाहों से यूँ कहता है, तुमने मेरे भेड़ बकरियों की शुद्धि नहीं ली, वरन उनको तितर बितर किया है और जबरन निकाल दिया है। इस कारण यहोवा की यह वाणी है कि मैं तुम्हारे बुरे कामों का दंड दूंगा, तब मेरे भेड़ बकरियां जो बची है उसको मैं उन सब देशों में से जिसने जबरन भेज दिया है स्वयं ही उन्हें लौटा लाकर उन्हीं की भेड़शाला में इकट्ठा करूंगा और वे फिर फले फूलेंगे। मैं उनके लिए ऐसे चरवाहे नियुक्त करूंगा जो उन्हें चराएंगे और तब वे फिर ना डरेंगे, ना विस्मित होंगे और ना उन सब जो खो जाएंगे। यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की यह भी वाणी है, देख ऐसे दिन आते हैं जब वे दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगेगा और वह राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा और अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। उनके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे और इसराइली लोग लीडर बसे रहेंगे और यहोवा का नाम यहोवा हमारा धार्मिकता रखेगा। यह परमेश्वर का पवित्र वचन है। पत्रियों में से आज का बाइबल पाठ कुलुसियों के नाम पत्री उसका एक अध्याय 13 11 से लेकर 20 अध्याय तक लिया गया है।
उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीरास में सहभागी हों। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा, और सब बातों में वही प्रधान ठहरे, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि हम उसमें सारी परिपूर्णता वास करें और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से और साथ मेल कर लें, चाहे वह पृथ्वी पर की हों और चाहे वह स्वर्ग में की हों। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। प्रभु की शांति आप सबके साथ हो। आइए हम आदर के साथ हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सुसमाचार को सुने, जो संत लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय 33 पद से 43। जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुँचे, तो उन्होंने वहाँ उसे और उन कुकर्मियों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाई ओर क्रूसों पर चढ़ाया। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियाँ डालकर उसके कपड़े बांट लिए। लोग खड़े खड़े देख रहे थे और सरदार भी ठट्टा कर करके कहते थे कि इसने औरों को बचाया, यदि यह परमेश्वर का मसीह है और उसका चुना हुआ है तो अपने आप को बचा ले। सिपाही भी पास आकर और सिरका देकर उसका ठट्टा करके कहते थे, यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा। और उसके ऊपर एक पत्र भी लगा था, यह यहूदियों का राजा है। जो कुकर्मी लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं, तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता, तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। यह हमारे प्रभु का सुसमाचार है। प्रभु की शांति आप सबके साथ हो। आइए हम श्रद्धा और आत्मविश्वास के साथ कलीसिया के विश्वास का अंगीकार करें। मैं एक सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं का कर्ता है। और एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, परमेश्वर का इकलौता पुत्र, सर्वयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है, उसका और पिता का तत्व एक है, उसी के द्वारा सब वस्तुएं बनी, हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के लिए। वह स्वर्ग से उतर आया, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से कुंवारी मरियम से जन्मा और मनुष्य बना। पुंतियुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, उसने दुख भोगा, वह मरा और गाड़ा गया। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठा,
वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों एवं मृतकों के न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत ना होगा। और मैं पवित्र आत्मा पर विश्वास करता हूँ, जो प्रभु और जीवनदाता है, पिता से निकलता है, पिता एवं पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला। और मैं एक पवित्र सार्वलौकिक और प्रेरित कलीसिया पर विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मा को मानता हूँ और मैं मृतकों के पुनरुत्थान और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करता हूँ। आमीन। यह मध्यस्थता की प्रार्थनाता का समय है। आइए हम परमेश्वर पिता से पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मांगे और एक मन होकर प्रार्थना करें। हे पिता, हम अपने देश व संपूर्ण संसार की कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रेमी परमेश्वर, हम गरीबों, भूखों, अनाथों और अत्याचार से पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे परमेश्वर पिता, हम अपने प्रिय मेट्रोपॉलिटन डॉक्टर के पी योहानान, बिशपगण, याचकों, मिशनरी और कलीसिया के अगुओं के लिए प्रार्थना करते हैं। हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं जो हमारे जीवन की गतिविधियों पर अधिकार रखते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। यह समय है कि हम प्रभु के वचनों से सुने। हमारे मध्य में आदरणीय फादर बिनी ईपन हैं, वे सामने आकर हमें वचनों से सिखाएंगे। आज का हमारा विषय है, हमारा परमेश्वर वो अद्भुत परमेश्वर है। आवर गॉड इज एन ऑसम गॉड। पुराने नियम से यिर्मयाह नबी का किताब 23 अध्याय 1 से लेकर 6 वचन पढ़ा गया था। फिर भजन संहिता 46 से हम पढ़ें। फिर पत्रियों में से कुलोसियों की पत्री पहला अध्याय 11 से 20 वचन हमने सुना। और आखिर में लूका रचित सुसमाचार अध्याय 33 से 43 वचन तक हमने सुना। पहले पाठ में हमने सुना कि कैसे परमेश्वर जो बेकार चरवाहे हैं उनको भगाकर अपने चुने हुए चरवाहों को अपने लोगों के ऊपर नियुक्त करेंगे। आजकल जिस दुनिया में हम रहते हैं, हम देखते हैं कि बहुत से हमारे अगुए हैं, नेता हैं, राजनीतिक नेता, कलीसिया के नेता, समाज के नेता, बहुतों के जीवन में हम अच्छे अच्छे गुणों को देखने के लिए बहुत कोशिश करते हैं पर प्राप्त नहीं कर पाते। बहुत सारे राजनीतिक नेता हैं जो भ्रष्ट हैं, पैसों के लिए, स्थान के लिए, मान के लिए वे राजनीति में आए हैं। कलीसिया में देखते हैं बहुत सारे अगुए हैं जो धन के लिए और मनुष्य की स्वीकृति के लिए काम करते हैं। इसराइल के ऊपर भी ऐसे नबी थे, अगुए थे, नेता थे, राजा थे जो बेकार हो गए थे, जो परमेश्वर का काम न करते हुए अपने हित के लिए, अपने अभिलाषा के लिए, अपने आनंद के लिए लोगों का खून चूसते थे। और ऐसे लोगों को देखकर, इस परिस्थिति को देखकर यिर्मयाह नबी ने परमेश्वर के वचन को बताते हुए कहा, एक समय आएगा जब मैं बुरे नेताओं को, अगुवाओं को, लीडर्स को हटा दूंगा और अपने नियुक्त किए हुए चरवाहों को तुम्हारे ऊपर स्थापित करूंगा। उस जमाने में ऐसा होगा कि परमेश्वर का राज्य आएगा। परमेश्वर का राज्य का मतलब है वो राज्य जहां यीशु मसीह राजा होंगे। यीशु के जन्म लेने के कई साल पहले यिर्मयाह नबी के मुख से ये भविष्यवाणी की गई थी कि मैं एक राजा को इसराइल के देश के ऊपर नियुक्त करूंगा और वो राजा होगा
जो मेरे लोगों को उद्धार दिलाएगा। हम सब जो मसीही है, हम हमारे राजा प्रभु यीशु के आगमन की इंतज़ार में हैं। वो दिन आ रहा है जब यीशु खुद राज्य करेंगे और हमारा उद्धार होगा। फिर हमने पढ़ा कि एक समय आएगा जब परमेश्वर अपने जितनी भेड़ें हैं सबको अपने पास लाएगा, देश देश से, प्रांत प्रांत से, गांव गांव से, जो भी उसके चुने हुए हैं सबको वो इकट्ठे करेगा। वो खुद उन्हें भोजन खिलाएगा, वो खुद उनकी देख रेख करेगा। भजन संगीता लिखने वाला कहता है कि परमेश्वर वो मजबूत किला है जिसमें हम मुसीबत के समय छुप सकते हैं। हम में से बहुत से लोग सोचते हैं कि जब मुसीबत आएगी, परेशानी आएगी, तो हमको परमेश्वर से दूर भागना है, क्योंकि परमेश्वर हमें दंड देगा, बीमारी भेजेगा, श्राप देगा, परेशान करेगा, है ना। लेकिन भजन लिखने वाला कहता है जब तुम परेशान हो, जब तुम पाप में हो, बीमारी में हो, किसी भी तकलीफ में हो, सबसे पहले परमेश्वर की तरफ दौड़ो, क्योंकि वो एक मजबूत किला है जिसमें तुम छुप सकते हो और जिसमें तुम्हें राहत मिल सकती है। जब भी हम परमेश्वर के नज़रों में अपने आप को कम जांचते हैं, तुरंत हमको जानना है मुझे परमेश्वर के घर में जाना है। परमेश्वर मजबूत किला है। भजन लिखने वाला कहता है पृथ्वी थर थराएगी। जी हाँ, आजकल पृथ्वी बहुत थरथरा रही है ना, अर्थक्वेक। हमारे बचपन में कभी कभी हम सुनते थे कि अर्थक्वेक आया है। अभी हर हफ्ते मालूम होता है कि दुनिया के किसी न किसी प्रदेश में अर्थक्वेक आया है। भजन लिखने वाला कहता है कि पर्वत उलटकर, लुढ़ककर समंदर के अंदर गिर जाएगी। आजकल हम लोग देखते हैं एंटार्क्टिका में बड़े बड़े बर्फ के पर्वत पिघलकर समुद्र में जुड़ जा रही है बहुत तेजी से। ये सब होने के वक्त भी भजन लिखने वाला कहता है हम नहीं डरेंगे। हम जिसकी उम्मीद यीशु मसीह पर है, हम नहीं डरेंगे। आज दुनिया के सारे लोग डरे हुए हैं, जगह जगह पर हमले हो रहे हैं, खून खराबा हो रहा है, प्रकृति में बहुत बड़े बड़े बदलाव आ रहे हैं। कुछ जगह जहां पर बारिश नहीं होती थी वहां पर बाढ़ आ रहा है, कुछ जगह जहां पर बहुत बारिश होती थी वहां पर सूखा पड़ा हुआ है। सब उलट पुलट हो रहा है और लोग डर रहे हैं, लेकिन भजन लिखने वाला कहता है हमें नहीं डरना है क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। प्रेज द लॉर्ड। वो अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जब यीशु मसीह हमारे पास है तो हम क्यों डरे। लेकिन कभी कभी हम भी उन चेलों के समान बन जाते हैं, शिष्यों के समान जो यीशु के साथ नाव में जा तो रहे थे, जब तूफान आई, आंधी आई, तो डर गए, परेशान हो गए और चिल्लाने लगे, और इतना डर गए थे कि यीशु मसीह को भी डराने लगे। यीशु, क्या तुम नहीं जानते हम लोग मरने वाले हैं। तब हम जानते हैं यीशु ने खड़े होकर उनके अविश्वास को डांटा और कहा तुम्हारा विश्वास कहाँ है। वो लोग नहीं जानते थे कि परमेश्वर यीशु के रूप में उनके नाव में पड़ा हुआ था। उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं थी, हमें भी डरने की कोई जरूरत नहीं है जब दुनिया में बहुत सारे ऊंच नीच के कार्य हो रहे हैं। हमें हिम्मत बांधना है। भजन लिखने वाला हमें हिम्मत देते हुए कहता है मत डरना, परमेश्वर मजबूत किला है। कुलोसियों की पत्री लिखने वाले पौलुस ने कहा है यीशु मसीह ही है जो सारी सृष्टि को अपने हथेली में बांधे हुए हैं। आज भी वैज्ञानिक लोग बहुत बहुत शोध करते रहते हैं, ये दुनिया बनी कैसे, ये सृष्टि हुई कैसे, ये भूमंडल कैसे बनाया गया, तारागण कैसे बनाए गए। पौलुस सरल वाक्यों में कहता है ये सब यीशु ने बनाया। कुलोसियों की पत्री बहुत 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 गहरे सोच रखने वाला एक पत्री है। उसमें लिखा गया है कि हमको अंधकार के राज्य से छुड़ाकर परमेश्वर ने अपने पुत्र के राज्य में शामिल किया। कौन है ये पुत्र? यीशु मसीह। कौन है वो? सृष्टिकर्ता। हम लोग सोचते हैं कि परमेश्वर पिता ने सारी बातों को सृष्टि की। पौलुस कहते हैं यीशु के द्वारा
सारे वस्तुएं बनी, जो पृथ्वी पर है, आकाश में है, समंदर में है, जहां भी जो कुछ भी सृष्टि किया गया है वचन से, यीशु के द्वारा किया गया है। और पौलुस ये भी कहते हैं कि वो यीशु ही है जो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। कोई अगर पूछता है आपसे, क्या आप तुमने परमेश्वर को देखा है, तो हम कह सकते हैं जी हाँ, मैंने यीशु को देखा है। यीशु को कहाँ देखा भाई? सपने में देखा? नहीं, बाइबल में देखा है। परमेश्वर का स्वभाव कैसा है? बिल्कुल वैसा ही है जैसे यीशु का है। परमेश्वर की आवाज़ कैसी है? बिल्कुल वैसा ही है जैसे यीशु का है, क्योंकि यीशु मसीह वो परमेश्वर है, उसी के हाथ में सब कुछ बंधा हुआ है। सूरज को कैसे चलाना है, पृथ्वी को कैसे घुमाना है, तारों को किस जगह पे लगाना है, सब कुछ निर्णय करने वाला यीशु मसीह है। बारिश कब भेजना है, आंधी कब भेजना है, तूफान कब भेजना है, सब कुछ वो अपने शक्ति से और सामर्थ्य से करने वाला शक्तिमान परमेश्वर है। लेकिन पौलुस कहते हैं कि इतना महान, इतना बड़ा परमेश्वर वो है, सृष्टि भी उसको समा नहीं सकती, सृष्टि भी उसके सामने झुक जाती है। वो परमेश्वर इतना महान, इतना बड़ा होने के बावजूद इतना छोटा है कि हमारे दिल में वो निवास करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे दिल में रहकर वो हमसे बातें करता है। इतने बड़े बड़े वस्तु को बनाने के बावजूद सबसे बड़ी चिंता उसकी ये नहीं है कि कल सूरज उगेगा या नहीं, उसकी चिंता ये है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी वो ठीक है या नहीं। जी हाँ, उसको मुझे, उसको मेरी और आपकी चिंता लगी रहती है। लूका रचित सुसमाचार में हम परमेश्वर का असली स्वभाव देखते हैं। परमेश्वर का असली स्वभाव है प्रेम, नफरत नहीं है, दंड नहीं है, निंदा करने का स्वभाव नहीं है। परमेश्वर का असली स्वभाव है प्यार, प्रेम। कैसे हम इसको देखते हैं? हम देखते हैं जब यीशु के जीवन की आखिरी घड़ी थी, जब वो क्रूस पर टंग रहा था, दर्द से कराह रहा था, अपमानित किया गया था, उसके शरीर की सारी सामर्थ्य जब उसके शरीर से निकल दी जा रही थी, तब भी उसने पड़ोस में लटके हुए उस चोर के पाप को क्षमा किया। इन चारों बाइबल के पाठों में हम देखते हैं परमेश्वर का स्वभाव क्या है। देखते हैं कि परमेश्वर का स्वभाव है प्रेम का स्वभाव। यीशु मसीह एक ऐसा व्यक्ति रहा है इतिहास में जिसको आज भी कोई समझ नहीं पाया। इतिहासकार उसके विषय में लिखते बहुत हैं, लेकिन उसके बारे में समझ नहीं पाते। हमारे संसार के बहुत से बड़े बड़े सोच विचार करने वाले तत्वज्ञानी लोग भी जब यीशु के विषय में बात करने लगते हैं तो कम बोलते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि यीशु एक अद्भुत व्यक्ति रहा है। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े राष्ट्र के नेता, बड़े बड़े धर्म के गुरु, बाकी सारे चीज़ों की निंदा कर सकते हैं, लेकिन यीशु के विषय में जब बात करने लगते हैं तो शांत हो जाते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा परमेश्वर है जो प्रेमी परमेश्वर है। उसका जीवन शुरुआत से अंत तक एक ही विषय को दिखाता है, वो है प्यार, प्रेम। हम में से बहुत से लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो शायद परमेश्वर के इस असली चित्र को भूल गए हैं। जब भी हम यीशु के विषय में सोचते हैं तो हमें लगता है कि वो दंड देने वाला है, वो न्याय करने वाला है, वो किसी भी तरह से हमें पकड़ेगा और हमें दंड देगा। ये ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि हम जब भी देखते हैं, दुनिया में किसी को भी देखते हैं, सभी लोग ऐसे ही स्वभाव के हैं। हमें नीचा दिखाने के लिए, हमें पकड़ने के लिए, गिराने के लिए लोग लगे हुए हैं। लेकिन यीशु बिल्कुल ही अलग है, परमेश्वर बिल्कुल ही अलग है। भजन संहिता 27 उसका 10वां वचन में भजन लिखने वाला कहता है, अगर मेरे माता और मेरे पिता मुझे भूल जाए तो भी परमेश्वर मुझे अपना लेगा। मुझे याद है, मैंने कहानी पढ़ी थी एक लड़की की। बचपन से ही उसके साथ बहुत
शोषण किया गया था, लैंगिक शोषण, सेक्सुअल अब्यूज। घर के सदस्यों ने ही उसके खिलाफ बहुत गलत व्यवहार किया था, उसके खुद के पिता ने उसके साथ लैंगिक शोषण किया। वो डरती थी, वो अपने आप से नफरत करती थी, वो अपना चेहरा आईने में देखना नहीं चाहती थी क्योंकि वो सोचती थी कि मैं सबसे बुरी लड़की हूं इस दुनिया में, मेरे के लिए कोई इज्जत का स्थान नहीं है, मेरे साथ जो कुछ हुआ है उससे मैं मैली हो गई हूं, मेरे लिए जीने के लिए कोई उम्मीद नहीं। कई साल बीत गए लेकिन उसके अंदर का ये जो विचार है वो नहीं गया। काफ़ी उम्र होने के बाद भी दिन रात वो सोती थी, मैं अंदर से मैली हूँ, मैं अंदर से स्वीकार युक्त नहीं हूँ। चर्च जाती थी, प्रार्थना करती थी लेकिन अंदर से अंदर ही अंदर वो घुटती रहती थी। एक बार उसने कई नींद की गोली निगल ली ये सोचते हुए कि इस जीवन से मुझे अलविदा कहना है। मरी नहीं, अस्पताल में पहुँच गई, डॉक्टरों ने उसको मनोवैज्ञानिक चिकित्सा के लिए भेज दिया, साइकेट्रिक वार्ड में भेज दिया। वहाँ से जब वो बाहर आई तो सोचती थी मैं क्यों जी रही हूँ। अंत में जब उसको कुछ नज़र नहीं आया तो उसने किसी से पूछा कि क्या मेरे लिए कोई प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। तब किसी ने एक पास्टर का नाम बताया और वो पास्टर के पास गई और कहा कि मेरे जीवन में ये सब कुछ हुआ है, मुझे लग रहा है मेरे जीवन में कोई उम्मीद नहीं, शायद मैं जल्दी से मर जाऊंगी, मुझे पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है। पास्टर ने उसके चेहरे पर देखकर कहा, उस बहन का नाम था जूलिया, जूलिया मैं तुझसे कहना चाहता हूँ एक बात, तू सोचती है कि तू इतनी मैली है, इतनी बुरी है, बदसूरत है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ तू इतनी खूबसूरत है परमेश्वर के लिए कि अगर तू दुनिया की आखिरी व्यक्ति भी होती तो भी परमेश्वर पूरे दिल से तुझसे प्यार करता, इतना प्यार करता कि अगर उसे फिर अपने बेटे प्रभु यीशु को तेरे लिए मरने के लिए भेजना होता तो वो भेजता। जूलिया यू आर ब्यूटिफुल, तुम सुंदर हो जूलिया, वो तुझे प्यार ही नहीं करता है, तेरे साथ जो जो हुआ है उसे तेरे जीवन से हमेशा भुलाने के लिए वो तैयार है, वो तुझे क्षमा करने के लिए तैयार है। तू अपने आप से नफरत करती थी, किसी और से नफरत करती थी, तू अपने आप को मार डालने की कोशिश करती थी, लेकिन फिर भी वो तुझे क्षमा करेगा। वो क्षमा ही नहीं करेगा, तेरे पिछले सारे गलतियों को हमेशा हमेशा के लिए भुला देगा। वो ऐसा परमेश्वर है जूलिया, उस पर तू विश्वास कर। और वो बहन लिखती है, ये वचन सुनने के बाद मेरे जीवन में मानो एक बहुत बड़ी आज़ादी का मैंने महसूस किया, मुझे लगा कि मेरे जीवन के सारे बंधन टूट गए हैं और अब मेरी भी कोई इज्जत है, मुझे भी जीने के लिए कोई कारण है। उस बहन का जीवन उस समय से बदल गया। हमारा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय 11 से 32 वचन में हम देखते हैं उस परमेश्वर पिता का एक रूप, देखते हैं उड़ाव पुत्र की कहानी। एक पिता थे जिसके दो बेटे थे, एक बहुत ही नालायक व्यक्ति था, अपने पिता से अपनी जायदाद की मांग की, अपना हिस्सा मांगा, सारा जायदाद उसको दिया गया, उसने उसको लिया और दूर देश में चला गया, सब कुछ स्त्रियों के पीछे, शराब के पीछे, धन के पीछे, संसार के अभिलाषों के पीछे उड़ा दिया। ऐसी नौबत आई कि वो एक मामूली भिखारी बन गया और उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था तो किसी ने कहा, जाओ मेरे सुअर है उसकी देखरेख करो, सुअर के साथ बैठकर खाना खाता था। ऐसी परिस्थिति में उसके मन में एक सवाल आया, तू कौन है, तेरा पिता कौन है, तेरे पिता के घर में नौकरों का भी जीवन तुझसे कई बेहतर है। उसने उसी वक्त निर्णय लिया, मैं उठ जाऊंगा, पिता के घर जाऊंगा। वो पिता के घर की तरफ दौड़ने लगा और जानते हैं पिताजी क्या कर रहे थे, हर दिन सुबह शाम दोपहर को आकर इंतजार करते थे कि कहीं मेरा बेटा
आ तो नहीं रहा है। जब उसने उस दिन देखा अपना बेटा आ रहा है क्षितिज पर देखा, तो पिता ने सब कुछ छोड़कर अपने शर्म को, अपने घमंड को, गर्व को, जो कुछ भी उसके पास होना था सबको त्याग कर वो दौड़ने लगा। दौड़ते 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 अपने बेटे को गले लगाया, उसे चूमा, उसे चूमते चूमते वो घर लाया। यीशु मसीह जब ये कहानी बताते थे तो ऐसी संस्कृति थी कि कोई भी गौरवशील या कोई भी इज्जतदार बाप कभी ऐसा हरकत नहीं कर सकता था। कभी दौड़कर अपने बेटे को गले लगाने लायक कोई पिता नहीं था। यीशु ने वहाँ पर बताया, स्वर्गीय पिता परमेश्वर हमारे पिताओं से बहुत अलग है। चाहे आप किसी भी पाप में, कितने भी गंदगी में, कितनी भी बुराइयों में क्यों नहीं फंसे हो, वो पाप क्षमा करने के लिए तैयार है, गले लगाने के लिए तैयार है। केवल हमें उसके पास लौटना है। वो सच में अद्भुत परमेश्वर है। हर दिन उसके दिल में मेरे लिए और आपके लिए एक इच्छा है कि मेरा बेटा अच्छे से जिए, मेरी बेटी अच्छे से जिए। आप में से कुछ लोगों को लगता होगा मेरे जीने मरने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर मैं मर भी जाऊं तो कोई भी मुझे मिस नहीं करेगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं कहता हूं परमेश्वर को फर्क पड़ता है। मेरे जीवन में और आपके जीवन में जो कुछ होता है उसकी चिंता परमेश्वर को है, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई शक नहीं। हम भेड़ हैं और वो हमारा चरवाहा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10:3 में हम पढ़ते हैं कि मैं अपनी भेड़ों को नाम से जानता हूं। आप सोचते होंगे आपको कोई जानने वाला नहीं है, घर में, परिवार में, समाज में, दोस्तों के बीच में आपको कोई जानने वाला नहीं है। यीशु मसीह कहते हैं मैं तेरे नाम से तुझे जानता हूं क्योंकि तू मेरी भेड़ है और मेरी भेड़ मेरी आवाज को पहचानता है। आज अगर यीशु मसीह आपको बुलाते हैं तो आप उसकी आवाज को पहचान पाएंगे, और मेरी भेड़ मुझे जानती है। आज अगर आपके जीवन में ऐसी कोई परेशानी है जिससे आप जूझ रहे हैं तो परमेश्वर पिता के पास लौटाएं। वो हमारा अद्भुत परमेश्वर है, विस्मयपूर्ण परमेश्वर है, और उसके लिए कोई बात नामुमकिन नहीं है। मेरे सुनने वाले आज बहुत से लोग होंगे जो हमारे समाज में जो नए नए बदलाव आ रहे हैं, आर्थिक समस्याएं आ रही हैं, पैसों के विषय में चिंता आ रही है, टेंशन आ रहा है, उससे भी बहुत से लोग ग्रस्त होंगे। चाहे जो हमारी समस्या है, आर्थिक हो, व्यावसायिक हो, शारीरिक हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, केवल यीशु में विश्वास करने से, केवल यीशु के पास आने से हमें समाधान मिल सकता है, हमारे जीवन और बेहतर बन सकते हैं। तो क्यों नहीं हम अपने जीवनों को यीशु के हाथ में समर्पित करें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रेमी परमेश्वर पिता, हमारे हृदय में बहुत डर है परमेश्वर, आपका आगमन नज़दीक है। संसार में होने वाले एक एक परिस्थिति को जब देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि आप जल्दी ही आने वाले हैं। आज हमारे देश में बहुत से लोग हैं जो पीड़ित हैं, शोषित हैं, बैंक के बाहर कतारों में खड़े हुए हैं, धूप में, बारिश में, सर्दी में। कुछ लोग गिरकर मर गए हैं परमेश्वर, कुछ लोग खाली हाथ जब घर लौटते हैं तो निराश होकर जाते हैं, चिंतित हैं परमेश्वर। हमारे देश को आपकी ज़रूरत है, हमारे जीवनों को आपकी ज़रूरत है, हमारे समाज को आपकी ज़रूरत है परमेश्वर। सहायता कीजिए प्रभु यीशु। हालेलुया। प्रभु यीशु, ये पवित्र पवित्र समय आपने हमको दिया, इसके धन्यवाद। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु के मीठे नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन।